हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अमर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंटीग्रेशन एनसीईआरटी 7.3 का वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, जो आप लोगों का फरमाइश था। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अगर कोई विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा लिखा हुआ है क्या। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 dx, इसको सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर के हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर से रिलेटेड एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला है होता है, जिसको अप्लाई करने पर यह क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे बी नो डैट 1 + cos 2 थीटा। क्या होता है b⁻⁷ cos 2 थीटा इक्वल टू टू माइनस में लीजिए 1 - cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin² थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ये टू गुना में है तो गुना से भाग में चला जाएगा। तो 1 - cos 2 थीटा आई दो गुना से भाग में आएगा बराबर sin² थीटा। इसका अर्थ हो गया कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि sin² थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो 1 - cos 2 थीटा / 2। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन, क्या लिखा हुआ है sin² 2x + 5, तो वही लिख देंगे sin² 2x + 5, यहाँ dx लिख देंगे। आप ध्यान दीजिए कि sin² थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1 - cos 2 थीटा / 2। तो वही फार्मूला, इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ। तो इंटीग्रेशन sin² थीटा के जगह 2x + 5 है, तो इसको थीटा समझ लीजिए। तो थीटा समझेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 - यहाँ क्या लिखा हुआ है cos, तो यहाँ लिख देंगे cos, ये क्या है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और उसके बाद ये थीटा, तो थीटा एक हम क्या करेगा 2x + 5, तो यहाँ लिख देंगे 2x + 5, है ना। और डी एक्स आइए बटा में कितना है 2, तो / 2 लिख देंगे। अब ये दो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 - cos, और 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो यहाँ हो जाएगा 4x, और 2 से गुना करेंगे तो 2 × 5 = 10। आइए 2 था गुना भाग में कांस्टेंट, तो ये बटा के नीचे था, तो इसको बाहर कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, आगे क्या करेंगे 1/2 और इंटीग्रेशन अलग अलग दे देंगे, तो क्या ले लेंगे इंटीग्रेशन 1 dx, है ना, और माइनस, याद रखें इंटीग्रेशन इसको भी देंगे, तो क्या ले देंगे इंटीग्रेशन cos कितना लिखा हुआ है 4x + 10, तो यहाँ ले देंगे 4x + 10, और यहाँ ले देंगे dx। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ 1/2, और यहाँ dx है तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस, यहाँ cos है तो बताइए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos का इंटीग्रेशन sin होता है, तो यहाँ लिख देंगे sin। लेकिन आपको विशेष ध्यान देना है कि एंगल में कितना है 4x + 10, लेकिन ये हमेशा भूलिए नहीं कि एंगल में जो भी दिया हुआ रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट करके बटा के नीचे लिखते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये 10 है, 10 का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 0, आइए 4x का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x कैंसिल हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे। और आप लोग जानते हैं क्या चीज़ कि जैसे इंटीग्रेशन हटता है तो ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कॉन्स्टेंट जुड़ते हैं, तो ये प्लस सी लिख देंगे, बस इसको गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा x/2, और ये 2 × 4 = 8, तो 1/8 sin 4x + 10 + c। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, समझा देते हैं, इंटीग्रेशन sin² 2x + 5 dx ये दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला इंटीग्रेशन का नहीं होता है। सबसे पहले इसको आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला लगा कर इसको सॉल्व किए, तो बी नो डैट हम लोग जानते हैं 1 - cos 2 थीटा = 2 sin² थीटा, ये दो गुना में है तो गुना से भाग में, तो 1 - cos 2 थीटा / 2 = sin² थीटा। इसके बाद क्या किए तो sin² थीटा = 1 - cos 2 थीटा, ये दो गुना में है गुना से भाग में। अब क्या लिखे हैं इंटीग्रेशन sin² यहाँ भी sin² मिल गया, वही क्वेश्चन पहले उतार दिए sin² 2x + 5। अब देखिए sin² मिल गया, यहाँ थीटा है तो इसको थीटा मान लिए,
तो इस पर ये साइन स्क्वायर थीटा इतना के बराबर होता है, इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा इतना को इस फॉर्मूला पर सेपरेट किए, तो 1 का 1 लिख दिए माइनस कॉस, ये 2 था तो 2 लिख दिए, और थीटा थीटा का काम किया 2x + 5 सो लिखे, और बाय 2 तो 2, और ये 2 कांस्टेंट है भाग में है तो बटा के नीचे बाहर कर लिए, तो 1 माइनस कॉस 4x + 10 बचा। और वही जब इंटीग्रेशन अब बारी बारी से सबको दे दिए, तो इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos 4x + 10 dx, 1 का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x लगाकर लिख देते हैं, यहां dx से x लगाकर लिखेंगे, 3 रहता था 3x लिखते हैं, 4 रहता था 4x लिखते हैं, है ना। और ये cos है तो cos का इंटीग्रेशन sin होता 4x + 10, और एंगल को डिफरेंशिएट करके बटा के नीचे लिखते हैं, तो 10 का डिफरेंशिएशन 0, ये 4x का डिफरेंशिएशन 4 प्लस 6, अब x से गुणा किए तो x / 2, और 1 4 जा 4 2 जा 8 या 2 4 जा 8, और sin 4x + 10 प्लस 6, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन sin 3x * cos 4x dx, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला लगाकर इसको सिंपलीफिकेशन फॉर्म में कर लीजिए, इनटू में था प्लस में कर लेंगे, तो देखिए अगर इसको हम समझेंगे ए और इसको समझेंगे बी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन ए इनटू कॉस बी, लेकिन साइन ए इनटू कॉस बी नहीं होता है, ध्यान से देखिए, बी नो डैट फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इनटू कॉस बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ध्यान से देखिएगा क्या फार्मूला होता है, 2 साइन ए इनटू कॉस बी, 2 साइन ए इनटू कॉस बी बराबर क्या फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, अगर इसको हम समझेंगे a, है ना, और इसको समझेंगे b, तो साइन a इंटू कॉस b, साइन a इंटू कॉस b, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 2 का कमी है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 का कमी है, तो 2 डालो और 2 निकालो, बैलेंस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये टोटल इस फॉर्मूला पर सेपरेट हो गया, 2 sin a into cos b, तो 2 sin a into cos b क्या होता है, sin a plus b plus sin a minus b, वही फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो 1 by 2 इंटीग्रेशन, यहां लिख देंगे sin, तो sin और क्या लिखा हुआ है a, तो a का वैल्यू 3x, और ये प्लस तो प्लस, यहां b लिखा हुआ है तो b, b का वैल्यू 4x, और यहां प्लस है तो यहां प्लस, यहां sin है तो यहां sin लिख देंगे, और a तो a का वैल्यू कितना है 3x, तो यहां लिख देंगे 3x माइनस b, तो b का वैल्यू कितना है 4x, तो यहां 4x लिख दिए, ये dx, तो क्या आ जाएगा 1 by 2 इंटीग्रेशन sin 3x plus 4x कितना x हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे 7x plus sin 3x minus 4x कितना हो जाएगा, तो minus x हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे minus x, और ये dx, है ना। अब देखिए 1 by 2 और क्या लिख सकते हैं इसको, तो इंटीग्रेशन sin 7x ये माइनस बाहर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है तो ये एंगल का माइनस बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस sin x और dx। अब डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो आप बताइए sin 7x है तो sin x का क्या होगा इंटीग्रेशन, sin का होता है माइनस cos, क्या होता है sin का इंटीग्रेशन, ये माइनस cos 7x, क्या यह सही है, इंटीग्रेशन सही है, नहीं इंटीग्रेशन सही नहीं है, गलत है, एंगल को डिफरेंशिएट करके कहां लिखते हैं बटा के नीचे, ये भूलना नहीं है, तो एंगल में कितना है 7x, 7x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 7, वो कहां लिखाएगा बटा के नीचे लिखाएगा, तो ये 7 माइनस, फिर sin का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो माइनस cos, तो एक ये माइनस, एक फार्मूला का माइनस, प्लस cos हो गया x, और एंगल है x, तो x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, 1 नहीं आएगा, और प्लस इंटीग्रेशन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो वो कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो c बहुत, तो 2 से गुणा कर दीजिए, सबसे पहले इसको लिख दीजिए 1 by 2 cos x ना समझे, इसको और इसको लिखें, अब इसको लिखें माइनस 1 by ये गुणा कीजिएगा तो 2 7 जा 14 एंड लिख देंगे cos 7x प्लस c,
तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस कितना लिखा हुआ है 6x और dx। तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे बनाए थे उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ 2 से भाग दे दीजिए, बात बराबर हो। फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए और फार्मूला पर भी सेपरेट हो रहा है, क्योंकि इसको समझेंगे ए और इसको समझेंगे बी। कौन सा फार्मूला लगेगा हमें? तो लगेगा 2 cos a इंटू cos b। तो हम फार्मूला जानते हैं हम लोग, वी नो दैट 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b। तो 2 cos a इंटू cos b वाला फार्मूला होता है cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, यही फार्मूला होता है। याद रखिएगा 2 cos a इंटू cos b बराबर क्या फार्मूला होता है? cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, इसी फार्मूला पर सेपरेट करना होता है। लिख देंगे चूंकि जो लिखा हुआ है सो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 2 cos a, cos a नहीं 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। यहाँ ध्यान देना है इसको समझेंगे ए और इसको समझेंगे बी। तो ये फार्मूला पर सेपरेट हो गया 2 cos a, 2 cos a इंटू cos b, तो ये cos b, b का वैल्यू 4x हो गया। इस पर सेटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1 बाई 2, यहाँ क्या लिखा हुआ है? cos a माइनस b, तो यहाँ लिख देंगे cos a माइनस b, तो a का वैल्यू कितना है 2x और माइनस b, तो b का वैल्यू कितना है 4x। और क्या लिखा हुआ है बीच में? प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस का साइन दे देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? cos, तो यहाँ लिख देंगे cos और a प्लस b, तो a का वैल्यू कितना हो गया 2x और प्लस b, तो b का वैल्यू कितना हो गया 4x, है ना, इंटू cos 6x और यहाँ dx। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा इंटीग्रेशन 1 बाई 2 इंटीग्रेशन, ये cos, ये 4x, 2x माइनस 4x तो कितना आ जाएगा? तो माइनस 2x होगा। और ये प्लस cos 2x प्लस 6x, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2x में 4x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। और इधर इंटू में क्या है? cos 6x, तो यहाँ लिख देंगे cos 6x dx। अब ध्यान देना है यहाँ लिखेंगे 1 बाई 2 इंटीग्रेशन, कॉस के अंदर जो भी माइनस का साइन रहता है वो नेगेटिव रहता है ना, वो हट जाता है, चूँकि हम लोग जानते हैं कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, चूँकि कॉस माइनस थीटा बराबर ये कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस के अंदर जो नेगेटिव रहता है वो हट जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कॉस माइनस टू एक्स है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? कॉस टू एक्स, तो यहाँ लिख देंगे कॉस टू एक्स प्लस कॉस सिक्स एक्स और इंटू कॉस सिक्स एक्स। अब बारी बारी से गुना कर दीजिए, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन कॉस 2x है, तो ध्यान देना है यहाँ अलग अलग कर देते हैं, कॉस 2x इंटू ये वाला लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस 6x dx प्लस, फिर इसी को इसी तरह से करेंगे तो यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन और मतलब कॉस 2x में कॉस 6x से गुना किए और इंटीग्रेशन अलग दे दिए, फिर ये लिख देते हैं कॉस 6x इंटू कॉस ये वाला 6x और dx। क्या कीजिए? उसी तरह से सेपरेट करना है, दो का कमी है तो यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ 2 से भाग दे दीजिए, बात बराबर होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा उतना ही आएगा। फिर इसमें भी वही लॉजिक लगाइए, यहाँ 2 से गुणा कीजिए यहाँ 2 से भाग कीजिए और आपका सेपरेट हो जाएगा इस फार्मूला पर। तो 1 बाई 2 लिख देंगे और ये वाला 1 बाई 2 और फिर ये कौन फार्मूला पर गया? इसको समझेंगे ए, इसको समझेंगे बी। क्या फार्मूला लगा? 2 cos a इंटू cos b। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ फार्मूला, 2 cos a इंटू cos b, तो क्या फार्मूला होता है? cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, तो यही फार्मूला यूज करेंगे। 2 cos a इंटू cos b बराबर क्या होता है फार्मूला? cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, यही लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन cos a माइनस b,
तो a का वैल्यू कितना हो गया 2x माइनस b, तो b का वैल्यू हो गया 6x प्लस cos a प्लस b, cos लिखा हुआ है cos a प्लस b, तो क्या लिख देंगे 2x प्लस b, तो b का वैल्यू 6x और यहाँ dx लिख देंगे आप प्लस ये 1 बाई 2 का 1 बाई 2 इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको फिर a समझेंगे और इसको क्या समझेंगे b, 2 cos a into cos b, इसको समझेंगे a और इसको क्या समझेंगे b, तो 2 cos a into cos b, तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं cos a cos cos a minus b, तो यहाँ लिख देंगे a minus b, तो a का वैल्यू हो गया 6x और minus b था 6x और प्लस cos a plus b, तो क्या लिख देंगे 6x plus 6x और dx। फिर एक बार समझ लीजिए, मतलब यहाँ क्या किए हैं, तो 1 by 2 का 1 by 2 लिख दिए और 2 cos a into cos b, तो cos a minus b फॉर्मूला में होता है, तो a minus b, तो a का वैल्यू 6x और minus b, b का वैल्यू भी 6x plus cos a plus b, तो a का वैल्यू 6x plus b का वैल्यू भी 6x dx। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी 1 by 2 है, यहाँ भी 1 by 2 है, यहाँ भी 1 by 2 है और यहाँ भी 1 by 2 है, तो 1 by 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 by 4 है ना, कितना हो जाएगा 1 by 4, यहाँ बचा क्या, तो इंटीग्रेशन cos i 2x में से 6x घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 4x, तो यहाँ लिख देंगे माइनस माइनस का 4 और यहाँ x, ये प्लस है तो ये प्लस का, ये प्लस हो जाएगा cos का cos हो जाएगा है ना, और ये क्या क्या लिखा हुआ है, तो 2x प्लस 6x, तो 2x प्लस 6x कितना हो जाएगा 8x, तो यहाँ लिख देंगे 8x और dx, साथ ही साथ प्लस का साइन देंगे और ये 1 by 2 था बाहर हो गया, यहाँ क्या बचेगा, तो इंटीग्रेशन cos और 6x में से 6x घटेगा तो क्या बचेगा 0x, 0 और dx और प्लस ये cos 6 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा 12x dx, ये आपका रहा। अब इसको इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिख देंगे 1 by 4 और इंटीग्रेशन cos और माइनस का 4x, तो हम बताएं कि माइनस में 4x है तो cos का एंगल नेगेटिव रहता है, तो देखिए यहाँ cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, मतलब प्लस में हो जाता है, इसलिए cos माइनस 4x है तो ये cos प्लस 4x ही रह जाएगा, मतलब माइनस का साइन हट जाएगा और प्लस यहाँ हो गया cos 8x dx, ये एक साथ लिए थे और प्लस इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन और ये क्या हो जाएगा cos 0 1 होता है, तो 1 प्लस ये cos 12x dx, इतना हो गया, बस ये सेपरेबल फॉर्म में आ गया और इसका इंटीग्रेशन हम इजी वे में कर लेंगे, तो क्या लिख देंगे यहाँ 1 by 4 और बताइए cos 4x, तो cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो यहाँ लिख देंगे sin 4x और कुछ छोटा, हाँ छोटा है क्या, ध्यान दीजिए 4x है तो जितना रहता है एंगल में उसको डिफ्रेंशिएट करके बटा के नीचे लिखते हैं, तो इसके बटा के नीचे 4x का करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 लिख दीजिए प्लस cos 8x है तो cos का इंटीग्रेशन sin होता है, तो cos का इंटीग्रेशन sin लिख दिए तो sin 8x बाई एंगल को डिफ्रेंशिएट करके बटा के नीचे लिखेंगे तो 8x का क्या आएगा 8 और प्लस ये 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1x आएगा, तो यहाँ लिख देंगे x और प्लस cos 12x है तो cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का होता है sin, तो यहाँ लिख देंगे sin 12x बाई 12 और प्लस प्लस का c, इसीलिए आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, पहले ही लिख दीजिए x बाई 4 तब ये लिखिए sin 4x बाई 4 चौके 16 4 4 जा 16 प्लस ये लिखिए तो sin 8x बाई 4 8 जा 32 और ये प्लस sin 12x 12 4 जा 48 और प्लस का c कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है x बाई 4 लिखा हुआ है प्लस sin 4x बाई 16 प्लस sin 8x बाई
32 प्लस साइन 12 एक्स बाई 48 प्लस, तो यही आपका आंसर रहा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का जो दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में, यह क्वेश्चन बिना फॉर्मूला का सॉल्व ही नहीं हुआ। इसलिए साइन क्यू 2x प्लस 1 दिया हुआ है, तो आप लोग सोचिए कि साइन क्यू थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 11th में। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना था हम लोगों को साइन क्यू थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता था। देखिए कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, ध्यान दीजिए। बिना फॉर्मूला का, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला का इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे बी नो डैट साइन थ्री थीटा बराबर होता है फॉर्मूला 3 sin θ माइनस 4 sin3θ, ये फॉर्मूला होता है। तो अब ध्यान दीजिए माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या चीज़ में आ जाएगा, प्लस में, तो 4 sin3θ बराबर 3 sin θ, ये प्लस में है, इधर माइनस में आएगा माइनस sin3θ। अब ये 4 गुना में है तो गुना से क्या चीज़ में आ जाएगा, भाग में, बटा के नीचे। तो क्या लिख देंगे, साइन क्यू थीटा इक्वल टू 1/4 3 sin θ माइनस sin3θ। ये ध्यान दीजिए यही फार्मूला का यूज होगा। इस फार्मूला याद रखना है कि साइन क्यू थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/4 3 sin θ माइनस sin3θ। अब देखिए क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है चूंकि इंटीग्रेशन साइन क्यू और कितना लिखा हुआ है 2x + 1 dx। तो ध्यान दीजिए साइन क्यू मिल गया, यहाँ थीटा एक काम करेगा क्या, 2x + 1 को थीटा मानेंगे, 2x + 1 को क्या मानेंगे, थीटा। तो यह फार्मूला पड़ जाएगा, तो इस फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, 1/4 इंटीग्रेशन दे दीजिए, ये 3 है, 3 लिख दीजिए, यहाँ साइन, तो साइन लिख देंगे, है ना, साइन लिख देंगे, यहाँ थीटा है तो थीटा का वैल्यू बताइए कितना लिखा हुआ है, 2x + 1, तो यहाँ लिख देंगे 2x + 1, है ना। ये माइनस का माइनस, साइन का साइन, ये 3 का 3, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है, ये 3 है तो 3 का 3, यहाँ थीटा है, थीटा का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 2x + 1, तो यहाँ लिख देंगे 2x + 1 dx, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन 3 sin कितना हो गया, 2x + 1 माइनस साइन, ये 3 है, 3 से गुना करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 × 3 = 3, है ना, आइए डी। तो इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कितना आ गया होगा समझ में। अब आगे बताइए, यह सेपरेबल हो गया, मतलब इंटीग्रेशन अब इसका हो जाएगा 1/4, मतलब यह क्वेश्चन इंटीग्रेबल हो गया, अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं 3 का 3। आप ही बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, तो माइनस का कॉस लिख दिए, एंगल जो है सो लिख दिए 2x + 1, साथ ही साथ कुछ और छूट रहा है जो भूलिएगा आप लोग कभी नहीं, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एंगल को डिफ्रेंशिएट करके कहाँ लिखते हैं, बटा के नीचे, 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0, आई 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2, बटा में 2 लिख देंगे, माइनस का माइनस। फिर साइन लिखा हुआ है तो साइन का इंटीग्रेशन बताइए, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, तो ये माइनस है, एक और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस, तो ये लिख देंगे 6x + 3। लेकिन कुछ और छूट रहा होगा, ध्यान से देखिए, ये 3 है, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, और यहाँ 6x है तो 6x का डिफ्रेंशिएशन 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। और जैसे इंटीग्रेशन आता है तो यह इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इसमें एक कॉन्स्टेंट जोड़ेंगे तो इसमें प्लस सी दे देंगे। अब ये 4 है, 4 से सम में गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, पहले ये लिख दीजिए, तो 1/6 × 4 = 24, ये लिख देंगे कॉस, ये 24 लिखा हुआ है, कॉस कितना 6x + 3, और इसको आप गुणा करा लीजिए तो कितना आ जाएगा, −3/4 × 8, और कॉस कितना लिख देंगे, 2x + 1, यहाँ लिख देंगे 2x + 1 और प्लस। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको देखिए, ये भी आंसर हुआ, एक और मेथड से भी थोड़ा सा नहीं सिंप्लीफिकेशन करके और भी आंसर लाया जा सकता है। जैसे आप एक फार्मूला याद रखिएगा, cos 3 थीटा बराबर cos
कॉस थ्री थीटा बराबर फॉर्मूला होता है फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को सेपरेट करेंगे तो क्या हो गया वन बाई फोर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है माइनस थ्री बाई टू कॉस टू एक्स प्लस वन और प्लस वन बाई सिक्स कॉस। यहाँ से तीन कॉमन इस सिक्स आगे निकाल दिए यहाँ से तीन कॉमन लीजिएगा तो यहाँ थ्री लिख देंगे तो यहाँ क्या बचेगा टू एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन। ध्यान देना है अब इसी को इसको इस फॉर्मूला पर सेपरेट कर देंगे तो इसको अगर मानते हैं थीटा तो क्या हो जाएगा वन बाई फोर। ध्यान देना उसको थीटा मान लिए या तीन कॉमन ले लिए तो तीन कॉमन लिए तो टू एक्स प्लस वन इसको थीटा समझ लेना तो इस फॉर्मूला पर सेपरेट हो जाएगा तो क्या लिख देंगे माइनस थ्री बाई टू कॉस टू एक्स प्लस वन प्लस वन बाई सिक्स और कॉस थ्री थीटा तो क्या होता है फॉर्मूला फोर कॉस क्यू तो क्यू लिख देंगे और थीटा थीटा का वैल्यू टू एक्स प्लस वन और माइनस थ्री और कॉस और ये थीटा थीटा का वैल्यू क्या लिख देंगे टू एक्स प्लस वन है ना। और ये हो गया अब देखिए इसको क्या करेंगे वन बाई फोर ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू कॉस टू एक्स प्लस वन और ये सिक्स से इसको गुणा कीजिएगा तो ये सिक्स से गुणा कीजिएगा तो टू टू फोर बाई सिक्स। देखिए ध्यान से फोर बाई सिक्स का मतलब हो गया टू टू जा फोर और टू थ्री जा सिक्स एक का मतलब टू बाई थ्री ना समझ रहे हैं फोर बाई सिक्स का मतलब हो गया टू बाई थ्री। यहाँ लिख देंगे कॉस क्यू टू एक्स प्लस वन और माइनस इसको करेंगे तो वन बाई टू बचेगा तो वन बाई टू कॉस टू एक्स प्लस वन है ना। अब ये दोनों सेम टाइप का है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा वन बाई फोर और माइनस थ्री और ये माइनस वन तो माइनस फोर उसे भाग देंगे तो माइनस टू बचेगा माइनस टू कॉस टू एक्स प्लस वन और प्लस ये कितना बचा तो टू बाई थ्री कॉस क्यू टू एक्स प्लस वन है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा फोर से इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का वन बाई टू कॉस टू एक्स प्लस वन और इसको गुणा करेंगे तो टू टू जा फोर तो ये हो जाएगा प्लस का वन बाई सिक्स। नहीं समझे ये दो दूना चार तो माइनस वन बाई टू कॉस टू एक्स प्लस वन दो दूनी चार तो माइनस वन बाई टू कॉस टू एक्स प्लस वन इसको गुणा कराइए तो दो दूना चार दो बचा तो दो दिए छः बात समझ गए ना दो दूना चार तो यहाँ दो बचा तो दो दिए छः और यहाँ लिख देंगे कॉस क्यू यहाँ टू एक्स प्लस वन तो ये भी आंसर हो यही होगा बात समझे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें फीडबैक का अनुभव हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।